हेलो तो दोस्तों आइए मैं क्वेश्चंस कर रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए हूँ क्वेश्चन कराने से, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसको रफली समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन क्या कर रहे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई तो प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स ठीक तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जब तक आप लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे ठीक है जब तक आप लॉक की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं जब तक आप लॉक की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं ठीक है ये लॉक की प्रॉपर्टी लगा दिया लॉक की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने क्या किया इसी नंबर को क्या करना है डिफरेंशियल करना है पार्सल डिफरेंशियल करना है इसी नंबर को जैसे पार्सल डिफरेंशियल करेंगे तो ये नंबर आ जाता है देखिए यहां पे इसको करेंगे तो ये आ जाता है इस नंबर का करेंगे यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा इसका करेंगे एक्स हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा फिर अगेन इसको हमने सॉल्व कर दिया ठीक है इसे लिख दिया ये क्वेश्चन डाल दिया थर्ड फिर अगेन इसको वाई के एंसपेक्ट में डिफ्रेंस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जैसे तो ये आ जाता है सिमिलरली वैसे आएगा ठीक तो यहाँ पे ये भी आ गया अब क्या करना है आपको इन दोनों को फिर से यहाँ पे क्या करा एक्स यानी कि वाई वाले को एक्स के टर्म में और एक्स को वाई के टर्म में पार्सल फिर से करना तो अगेन हमने फिर से डिफरेंस किया पार्सल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाई के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा तो अगेन बचेगा तो यहाँ पे हमारे पास अगेन किया ये जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या है? 2XY आ गया टू एक्स वाई आ गया इसका ठीक फोर हो जाएगा फिर अगेन दोनों तो दोनों सेम आ रहे हैं वही प्रूव करना था दोनों सिमिलरली हैं या नहीं इसके आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री यहाँ पे माइनस थ्री एक्स वाई जेड ठीक है तो यहाँ पे सो दैट सो दैट क्या करना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बहुत आसान क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करिए जब तक कंसेप्ट आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन लगाने में बहुत गलतियां होंगी इसलिए क्वेश्चंस को इसको बहुत अच्छे से समझना है कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या देखिए क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये इसी को मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं यहाँ पे ठीक इक्वेशन फर्स्ट मानने पर हम क्या करेंगे थ्री टाइम्स एक्स और वाई जेड एक्स और y और वाई तीनों के रिस्पेक्ट में वन बाईन डिफरेंशियल करना है पार्सल डिफरेंशियल करते वक्त थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इसलिए कहते हैं क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लॉग का वन अपॉन वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड विशेष ध्यान रखेंगे इनटू इनटू ऊपर चलेंगे जैसे ऊपर चलेंगे थ्री का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड ब्रैकेट क्लोजिड ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम हमारे पास आ जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वेशन सेकेंड बहुत आसान क्वेश्चन है कंसेप्ट पर विशेष ध्यान रखिएगा जब तक कंसेप्ट विशेष ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा ठीक है आगे चलते हैं आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली आप लोगों को सिमिलरली नहीं लिखना आपको इसे लगा के दिखाना है पेपर में विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने लिखा ठीक सिमिलरली सिमिलरली लिखने पर हमारे पास हो जाता है देखें डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू थ्री कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड ठीक है इक्वेशन थर्ड अगेन यहाँ पे देखें डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू थ्री जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वेशन फोर्थ ठीक इक्वेशन फोर्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेकेंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एडिंग ठीक एडिंग करते हैं जैसे ऐडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है देखिए हमारे पास बन जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू थ्री कामन ले लिया बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के हैं तीनों तो यहाँ पे तीनों कामन ले लें विशेष ध्यान रखना यहाँ पे फिर यहाँ पे आगे आ जाता है हमारे पास वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन पूरे के अपॉन सेम नंबर है तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों पेपर में लिख देना है तीनों लिखेंगे लाइन टू लाइन ठीक उसके बाद एलसीएम लेके प्लस करना है तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड ठीक है विशेष ध्यान देंगे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ऊपर आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं जैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे इक्वल इक्वल का साइन हो जाता है हमारे पास थ्री बाहर हो गया तीन बाहर होने पर हमारे पास ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन इस वाले में प्रॉपर्टी जैसे यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में अगेन अगेन हो जाता है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज तो ये ऊपर नीचे सेम नंबर है रहते कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास हो जाता है क्या देखिए किसके इक्वल टू हमारे पास हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन फिफ्थ इसे ध्यान देंगे यहाँ तक आपको क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमने क्या किया सबसे पहले क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया वाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड के तीनों इक्वेशन को डिफरेंशियल करने के बाद तीनों इक्वेशन को क्या किया कि हमने ऐड कर दिया जैसे ऐड करेंगे तो नीचे वाले में फार्मूला लगा देंगे फार्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो जाता है अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना क्वेश्चन क्या करना है क्वेश्चन में हमारे पर देखना विशेष ध्यान देना क्वेश्चन हमारे पास ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इक्वल टू इसको लिखने का तरीका देखें इक्वल टू हमने लिखा डेल नीचे लिखता हूँ यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक ब्रैकेट में दूसरे में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड यू ठीक u को अंदर भेज देते हैं जैसे अंदर भेजेंगे डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z डेल z ब्रैकेट क्लोज फिर डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z ठीक अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको रफ करके इधर आ जाते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है कंसेप्ट विषय ध्यान रखना आपको हो जाता है देखिए यहां पे हो जाता है डेल हाँ क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे देखिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड एक ब्रैकेट में इक्वल टू चल रहा है फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड ब्रैकेट क्लोज ठीक तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इन थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज विशेष ध्यान देना है यहाँ पे क्वेश्चंस को अब क्या करना है प्रॉपर क्वेश्चंस को करना है वन बाय वन सबसे पहले इसके साथ इसकी इसके साथ इसके साथ अब इसको पार्सल करना देखिए कैसे करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई किया हमारे पास हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज विशेष ध्यान देंगे अब क्या करना है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सल करेंगे तो ये यौन में है ऊपर जाके माइनस कर देगा जैसे माइनस करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है देखिए माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होल स्क्वायर विशेष ध्यान रखेंगे होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अब तीनों माइनस के हैं तो एक साथ प्लस कर देते हैं जैसे प्लस करेंगे तो माइनस का नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब तो आंसर हमारे पास आ जाता है आंसर क्या हो जाता है विशेष ध्यान रखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन से हमारे पास हो जाता है यहाँ पे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इक्वल टू माइनस का नाइन अपॉन एक्स प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है कंसेप्ट पर विशेष ध्यान रखेंगे कई बार पेपर में पूछा गया है इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस को हमेशा प्रॉपर मेथड से करिए विशेष विशेष तौर से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट करिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा इसका बहुत आसान क्वेश्चन है देखते रहे हमारी वीडियो धन्यवाद